हेलो एवरीवन, माय नेम इज शैलजा एंड वेलकम टू अवर चैनल। बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो इंग्लिश मीडियम से नहीं रहा है या हम इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है और हमें इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आती, तो क्या हम भी डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं? तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अनदर वन इज़ नॉलेज ऑफ टूल्स। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं तो आपका इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप नॉलेज ऑफ टूल्स की बात करें तो वहाँ पे इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपको अच्छी इंग्लिश ज़रूरत है। जिस तरीके से आज आप ये वीडियो देख रहे हो, आप नॉर्मल लाइफ में अपना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब चीज़ें यूज़ करते हो, तो वो सब चीज़ें यूज़ करने के लिए आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज वो एक तरह का नॉलेज ऑफ टूल्स है। और दूसरा, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए पर्पज़ क्या है। फर्स्ट, या तो आप अपनी जॉब के लिए सर्च आउट कर रहे हो या क्लाइंट सर्विसेज के लिए सीख रहे हो, या दूसरा अपने ही किसी बिजनेस या स्टार्टअप के लिए खुद डिजिटल मार्केटिंग उसका करना चाहते हो। सो यदि आप डिजिटल मार्केटिंग जॉब पर्पस के लिए सीख रहे हैं तो आपके लिए इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश एक तरह की ग्लोबल लैंग्वेज है। और बाकी जब आप कहीं गूगल पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कुछ सर्च आउट करते हैं तो वहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज ही इंग्लिश है। तो अगर आपकी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो फर्दर अगर आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट ये डाल सकता है। आई सजेस्ट, अगर आप ये डिजिटल मार्केटिंग किसी जॉब पर्पज़ के लिए सीख रहे हैं और आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो आप आज से ही अपनी रीडिंग एंड राइटिंग की स्किल्स पर ध्यान देना शुरू कर दें। बिकॉज वर्बल कम्युनिकेशन ना भी इतना अच्छा हो तो चलता है, लेकिन आपका रीडिंग एंड राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। और अनदर टू द ऑपोजिट, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ अपने बिजनेस के लिए सीखना चाहते हो, उसको प्रमोट करने के लिए सीखना चाहते हो, अपने किसी स्टार्टअप को और एडवर्टाइज़ करने के लिए सीखना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो कि फेसबुक एड्स कैसे रन होती हैं, गूगल एड्स कैसे रन होती हैं, या मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे आप कर सकते हो, तो उसके लिए आपकी इंग्लिश इतनी प्रोफिशिएंट होनी ज़रूरी नहीं है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पे भी आप मेल कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।